इंडिया न्यूज चैनल और आसपास से मैं सुनील शर्मा, हम देख रहे हैं कि मैडम एसएसबी के ऑफिस में खड़े हैं, जहाँ पे एक संस्था आई हुई है, यहाँ पे जो पीपीई किट है जो डॉक्टर्स के लिए है वो डोनेट करने आए हैं और मैडम के थ्रू ही देना चाहते हैं। हम इनसे बात करते हैं इनकी कौन सी संस्था है और मैडम इनके बारे में बताएंगे कि कितनी किट्स इन्होंने दी और क्या क्या सामान दिया जो जरूरी लोगों के लिए है और डॉक्टर्स के लिए है। हाँ जी मैडम, ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन है यहाँ पे चंडीगढ़ की और उनके उस संस्था के ये लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन्होंने 40 पीपीई किट्स जो कि जो पुलिसकर्मी भी हॉस्पिटल्स में चौकियों में या ऐसी जगहों पे तैनात है जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए इन्होंने ये दिए। टोटल 40 किट्स है और उसके साथ साथ ही इन्होंने काफ़ी सर्जिकल मास्क भी जो है हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो मास्क अभी यहाँ पे चंडीगढ़ में कंपलसरी हो रखे हैं तो जो गरीब लोग हैं जिनको जिनके पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं है उनको उनमें ये बांटे जाएंगे। और जो ये पीपीई किट्स है वो हमारे जो मुलाजम जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में तैनात है उनको दिए जाएंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके जी। सतीश आजा। ITV फाउंडेशन द्वारा जो मुहिम चलाई गई है कि जो भी लोग कर्फ्यू में फंसे हुए हैं उन तक राशन पहुंचाया जाए, खाना पहुंचाया जाए और भी जो ज़रूरी सामान पहुंचाया जाए। हमारे साथ प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ चंडीगढ़ के, मिस्टर पंछी जी भी हैं और इनके साथ और भी लोग हैं। तो इन्होंने अभी चंडीगढ़ पुलिस की जो मैडम SSP है उनको आज ये डोनेट करके आए PPE किट और कुछ मास्क है, कुछ और सर्जिकल सामान भी है। तो वो जो ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर्स हैं, कोई पुलिस के अधिकारी हैं जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, कोरोना वायरस की बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, इसलिए इन्होंने किट्स वगैरह दी है मैडम SSB को। इनसे हम बात करते हैं कि आपने ये जो सामान दिया है और लोगों तक मैसेज जाए, आपका क्या कहना है कि जो लोग ये वीडियो को देखेंगे उन तक ये मैसेज आएगा, ये इनसे बात करते हैं पंची से। हाँ जी पंची जी, आपका क्या कहना है? ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ PPE ਕਿੱਟਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ SSB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PGI 'ਚ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੌਲੀ, ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪੰਚਕੂਲਾ, PGI 'ਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ITV ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ASCP ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਐਲਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਮ ਵੀ ITV ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਫੂਡ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, हमें जो है हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की मदद करनी है, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करनी है। ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम इनके लिए काम कर रहे हैं ताकि मिलजुल कर एक टारगेट अचीव किया जा सके और कोरोना वायरस से छुटकारा पाया जा सके। धन्यवाद। अब मैं पहला एक गल कहना भूल गया, ITV फाउंडेशन के जोड़े हैड है अजय शुक्ला जी, तो अगे सुनील शर्मा जी, जिन्नी ये मेहनत कर रहे हैं मेरे ख्याल इन्नी कोई भी नहीं कर सकता। और धन इन्हों की फैमिलिया भी जिड़िया इन्हों अलाउ कर दी हैं भी ये मार्केट जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, लंगर भी सर्व कर रहे हैं, कलोनिया भी जा रहे हैं। कलोनिया भी जान तो देखो हर बंदे में जान प्यारी होंगी है, बट इन्हों की फैमिली का भी मैं शुक्रिया अदा करना कि जेडे इन्हों अगे वध चढ़ के हौसला भी दे रहे हैं। इन्हों को देख के सानू भी हौसला मिलता है, अदरवाइज असं भी घर बह सकते, पर असी भी मुहिम अगे बहुत बधावे। इंडियन न्यूज चैनल और आसपास से मैं सुनील शर्मा, ITV फाउंडेशन कैमरामैन वरिंदर जीत सिंह के साथ।